चाहता हूं कि अगर 10-15 मिनट हम लोग कुछ आपकी सवाल उठा लें, या आपके मन में अभी सडनली कोई ऐसा डाउट आ रहा हो, कोई प्रश्न आ रहा हो, तो हम लोग 10 मिनट में कुछ कुछ मोटे मोटे सवाल आपसे कर लेते हैं और उनके जवाब कर लेते हैं। तो हमें लगेगा कि शायद ये प्रोग्राम जो है ना एक कथा बन के नहीं रह गया है, इससे लोगों को फायदा होगा और शायद बात समझ में भी आई है। तो एक एक करके जिनके भी मन में कोई सवाल हो तो कृपया एक एक करके आप पूछते जाइए हमसे। हेलो आकाश जी, बहुत जी बहुत धन्यवाद। ये जी बहुत बढ़िया हुआ था सेशन। एक तो है जी आप ये जो इस बार जो है अरहर दाल का जो है बीज जो है उसको जो है पूरा भारत में पहुंचा है। वो जो जी बीज आपका वीडियो भी जो है बहुत 80,000 व्यूज तक हुआ, तो पूरा हमारा का एक्चुअली अरहर दाल जो है जी हमारा नॉर्थ कर्नाटक का भी, नॉर्थ कर्नाटक में ज्यादा ग्रो करते हैं हमारा जो है। मैं नॉर्थ कर्नाटक से हूँ अभी, तो ऑलरेडी जो है अपना जी वॉलंटियर नागराज श्रीशैला सावंत नायक जी जो है, ये सब सावंत जी जो है सबके पास पहुंचा है दिया। वो नेक्स्ट सीजन जो है इधर से ही करेंगे, जी लेकिन जी बीज को आप जो है 5 मिनट 10 मिनट में बीज को, वो बीज को कैसे मल्टीप्लाई करें जी उसका थोड़ा टेक्निक से थोड़ा 5 मिनट में बताने से, तो जी देखिए, आप हम प्लीज। लोगों ने अभी पीछे से उसका वीडियो भी हम लोग तैयार करने वाले हैं, और उसमें पूरी कंप्लीट A to Z टेक्नोलॉजी की, सीड का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, कैसे हम खुद अपने देसी बीज कैसे बनाएं, क्योंकि बीज जो है ना हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा का हिस्सा रहे हैं। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ये हमारी धरोहर भी है, किसान का कैपिटल भी है, लेकिन इस बात को लोगों ने नजरअंदाज कर दिया और सारे बीजों को कंपनियों के और साइंटिस्टों के हवाले कर दिया। वहां तक जो है ना पहुंचते पहुंचते सारे बीज कंटामिनेटेड हो गए, ब्रीडेड हो गए, और जो उनकी ओरिजिनल गुणवत्ता थी वो कहीं ना कहीं हट गई, और ये हमारे लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि जो उनकी ओरिजिनल गुणवत्ता थी, जो क्वालिटी थी, जो उनके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू थी, जो उनके अंदर गुण थे, तत्व थे, वो तत्व हाइब्रिडाइजेशन के कारण, संकरीकरण होने के कारण वो हट जाते हैं, और जब वो हट जाते हैं तो वो अनाज जो है ना क्वांटिटी में तो हो जाता है लेकिन क्वालिटी में नहीं होता है। तो जैसा कि आज हम आप अभी गेहूं खा रहे हैं, 10 रोटी खा लेते हैं, पेट भर जाता है, फिर उसके बाद गैस बनती है, उस गैस को खत्म करने के लिए फिर हमें गोली खानी पड़ती है। तो आज की तारीख में हम अनाज नहीं खा रहे, हम कचरा खा रहे, कचरा, ठीक है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हमारे जो परंपरागत देसी बीज हैं उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू भरपूर मात्रा में रहती है, उनमें वो गुणवत्ता रहती है जो आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स को रिपेयर करती है, आपकी बॉडी के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करती है। अब बात ये है कि बीज तो साहब जो है ना साइंटिस्ट बनाते हैं, वैज्ञानिक यूनिवर्सिटियां बनाती हैं या फिर कंपनियां बनाती हैं, नहीं, किसान खुद भी बना सकता है, और उसकी प्रोसेस है सिलेक्शन। सिलेक्शन प्रोसेस करके आप उन जैसी गुणवत्ता का तो बीज नहीं बना सकते, लेकिन उससे कमजोर भी नहीं बना सकते। तो कुल मिला के उसकी एक प्रोसेस है, और वो बहुत सामान्य है, मैं आपको 5 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर विस्तृत जानकारी को लिटरेचर और बाकी वीडियो के माध्यम से भी उपलब्ध हम बहुत ही जल्दी आपको कराने वाले हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पहले नंबर तो सिलेक्शन प्रोसेस पे जाते हैं, जो भी बीज हो हर बीज का प्रोटोकॉल सेम होगा, जो भी बीज होगा सभी बीजों का प्रोटोकॉल सेम होगा, चाहे अरहर का हो, उड़द का हो, मूंग का हो, धान का हो, वीट का हो, जो भी सीड्स हो, सिलेक्शन प्रोसेस इज मस्ट। कोई भी बीज जो आपको लगता है कि ये गुणवत्ता युक्त बीज है, हमारी परंपरागत हमारी संस्कृति का बीज है, देसी बीज है, उस बीज को आप अपने खेत पर लगाइए, और लगाने के बाद आप उसमें देखिए कि कौन से ऐसे पौधे हैं जो सबसे ज्यादा पावरफुल हेल्दी हैं या जल्दी उगाए हैं। उसमें ही कई पौधे ऐसे होते हैं जो कमजोर तरीके से उगते हैं, लेट लेट उगते हैं, तो जो लेट लेट उगते हैं वो पौधे वो बॉडी के रूप से कमजोर होते हैं। जैसे आपने देखा 100 लोग दौड़ते हैं तो 2 लोग रेस में आगे निकल जाते हैं, बाकी 90 लोग कुछ पीछे रहते हैं, फिर कुछ लोग और पीछे रहते हैं और कुछ लोग और पीछे रहते हैं। तो जो सबसे पीछे रहते हैं लोग, वो शारीरिक उनकी क्षमताएं उतनी नहीं होती हैं, तो जिनकी शारीरिक क्षमताएं थोड़ी कमजोर होती हैं उन पौधों की संतति को हम आगे नहीं बढ़ाते। तो हम क्या करते हैं कि जैसे 100 पौधे हमने खेत में लगाए एग्जाम्पल, तो 100 में से हमने देखा कि यार 80 पौधे तो एकदम सही समय पे फटाक से निकल आए, लेकिन 20 पौधे ऐसे हैं जो छुटपुट छुटपुट निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उन 20 पौधों को आप निकाल के फील्ड से हटा देंगे, अब आपके पास 80 में से 100 में से 80 पौधे बचे, 80 पौधे बचे।
अब कुछ वक्त और निकलेगा, लगभग 1 महीने के बाद जब उनमें सारी पत्तियां आ जाएंगी तो उस स्टेज पे आपको सिलेक्शन करना है कौन से ऐसे पौधे हैं जिनकी पत्तियां बहुत ही स्ट्रांगली खिली हुई हैं। तो देखेंगे आप कि 60 पौधों की पत्तियां तो एकदम स्ट्रांगली खिली हैं, 20 पौधों की पत्तियां ऐसी हैं जो थोड़ी कमजोर हैं। ठीक है, तो जो पौधे की पत्तियां थोड़ी कमजोर दिख रही हो या छोटी दिख रही हो, पतली नाटी जो भी है आपको दिखने से समझ में आ जाएगा, तो उन पौधों को फिर आप फील्ड से हटा दीजिए, उखाड़ी दीजिए पूरा। फिर आपके पास 60 प्लांट बचे 100 में से। फिर आप क्या करेंगे, जब उसमें फ्लावर्स आ जाएंगे तब उस फ्लावर्स के टाइम पे देखेंगे कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनमें सबसे ज्यादा फ्लावर्स आए हैं, स्ट्रांगली फ्लावर्स आए हैं, या फिर कौन से ऐसे पौधे हैं जिनमें थोड़े कमजोर फ्लावर्स आए, या इनका रंग बदल गया, रूप बदल गया, शेप बदल गया, तो उन पौधों को फिर आप हटा देंगे। पता चला 10 पौधे ऐसे थे जिनका कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, है ना। जैसे अपना जो अरहर का जो सीड्स है उसका टोटल रेडिश कलर होता है फूल का, बाकी जो अरहर होती है उसका येलो होता है, कईयों का येलो और रेडिश होता है, मिक्स होता है, तो इसका रेडिश कलर है, तो हमें पता है कि इसका डार्क रेडिश कलर है, और उससे डिफरेंट अगर कोई कलर आ रहा है फूल में तो आप समझ लो कि वो वेराइटी मिक्स हो चुकी है, कंटामिनेटेड हो चुकी है उस वैरायटी के फ्लावर्स को, या वो बीज ऑलरेडी पहले से ही मिक्सिंग वाला है उसको हटा। फिर कुछ पौधे हट जाएंगे, 10 पौधे। फिर उसके बाद आप फ्लावरिंग की स्टेज जब आप खत्म हो जाए, फ्रूट सेट हो जाए, तो फ्रूटिंग में आप देखिए कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसके फ्रूट सबसे ज्यादा हेल्दी है, कौन सा ऐसा पौधा है जिसके फ्रूट्स कमजोर हैं, तो जो कमजोर फ्रूटिंग या कमजोर फल वाले पौधे हैं उनको भी आप हटा दीजिए। तो 10 पौधे इसमें हट गए, तो हटते 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 100 में से 40 प्लांट्स बचे आपके पास। उन 40 प्लांट्स के सारे सीड्स को प्लांट पर ही सूखने दीजिए। गलती लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा कच्चा होता है मटेरियल और फसल को हार्वेस्ट करके खेत से घर में ले आते हैं, फिर जाके उनमें कीड़े पड़ते हैं। तो आपको क्या करना है, खेत पे ही फसल को पूरी तरह से सुखा देना है। जब पूरी तरह से प्लांट्स वहां पर खेत में सूख जाएगा तो उस प्लांट्स को आप कट करिए, हार्वेस्ट करिए, और हार्वेस्ट करने के बाद आप थ्रेसिंग जो भी है अनाज निकालने का आपका प्रोसेस, आप सेपरेट करके निकाल लीजिए अनाज को, और उस अनाज को फिर ग्रेडिंग पे ले जाइए। उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि एक पौधा जो हेल्दी है, बहुत बढ़िया, स्ट्रांग, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसमें जो फली थी या उसमें जो बाली थी, उस बाली में 10 दाने तो स्ट्रांग थे, एक दाना थोड़ा छोटा रह गया। ठीक है, तो जब हम ग्रेडिंग करते हैं, छन्ना लगाते हैं जाली से, तो जो बोल्ड बोल्ड दाना होता है वो आपका सेपरेट हो जाता है, और जो छोटा दाना होता है वो अलग हो जाता है, तो वो ग्रेडिंग कर लीजिए। ग्रेडिंग करने के बाद आप उन सारे ग्रेडेड किए हुए सीड्स को आप धूप में कम से कम 3 दिन सनलाइट दीजिए, सन थेरेपी दीजिए, और 3 दिन अच्छा धूप में सुखाने के बाद फिर आप उसको एयर टाइट बर्तन में पैक करके रखिए। और एयर टाइट बर्तन के लिए मिट्टी का बर्तन होता है वो सर्वोत्तम होता है। अगर वो नहीं है आपके पास तो प्लास्टिक का ड्रम या फिर किसी भी धातु का ड्रम ले सकते हैं, लोहे का ड्रम को छोड़कर लोहे का बर्तन ना लें, बाकी किसी भी धातु का बर्तन आप ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, तावे का ले सकते हैं, जो भी धातु का बर्तन हो वो सारा आपका बर्तन चल जाएगा। और उस बर्तन में आप अंदर बीजों को, नीम की पत्तियों को हल्का सा अः सुखा के, मतलब गीली पत्तियों को तोड़िए और हल्का सा धूप दिखा दीजिए 1 घंटे की। जब मुरझा जाए पत्तियां तब उन पत्तियों को नीचे डाल के सीड्स भर के फिर उन पत्तियों को बीच में डालिए, फिर सीड्स भरिए, फिर पत्तियों को ऊपर से डाल के उसको एयर टाइट बर्तन को पैक करके रखिए। 2 साल तक भी सीड्स आपका 1% भी खराब नहीं होगा। और इस विधि से आप हर साल सिलेक्शन प्रोसेस हर तरह के बीजों पर लगा के बीजों की क्वालिटी और उनकी संतति को लगातार बढ़ा सकते हैं और उनकी गुणवत्ता को बरकरार रख सकते हैं। और ऐसी इस विधि से हजारों साल तक आप एक बीज अपने उस पर चला सकते हैं। तो ये एक सिलेक्शन प्रोसेस है जो सामान्य तरीके से किसान भाई कर सकते हैं, और इसमें कोई लैब की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई वैज्ञानिक साइंटिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। वैज्ञानिक लोग लैब में काम करते हैं, हम लोग फील्ड में काम करें, और फील्ड में सिलेक्शन प्रोसेस से हम अपनी देसी बीजों की जो धरोहर है उसको बचाएं। और इस कड़ी में हमने कुछ प्रयास अपने किए हैं, लगातार 10-11 सालों में 44+ इंडिजीनियस स्पीसीज को, कुछ हमारे अपने खुद की है, कुछ हमने कलेक्शन किया है, ऐसे करके 44+ स्पीसीज को हमने अपने सीड बैंक में लिया है, जिसमें अरहर की एक प्रजाति है जो एक बार फल लगाने पे 5 साल तक चलती है, और लगातार आप उसमें साल में 2 बार फल ले सकते हैं, लंबी फली, बोल्ड दाना, तमाम तरह की क्वालिटी, टेस्ट में लाजवाब। और
जब आप घर में दाल बनाते हैं तो जैसे बाहर की जो दाल है वो आप 2 चम्मच बनाएंगे, इस वाली दाल को केवल 1 चम्मच ही बनाना पड़ेगा आपको। इतनी ज्यादा फैलती है, मतलब क्वांटिटी इसकी इतनी ज्यादा हो जाती है, तो कुल मिला के कंजप्शन भी इसका बहुत कम है, टेस्ट भी लाजवाब है, प्रोडक्शन में फल्ली लंबी बोल्ड दाना साइज बहुत बढ़िया आती है, 8 से 10 क्विंटल का उपज है। ऐसे ऐसे बीज हैं जिनके चमत्कारिक रिजल्ट हैं, लेकिन हमारे फार्मर्स को ही पता नहीं है, हमको ही पता नहीं है। तो हमारी जो विरासत है वो मतलब आप इसकी डेप्थ पे नहीं जा सकते। कुल मिला के मैंने बताया, हजारों सालों से ये देश लूटता आया, कभी मुगलों के द्वारा लूटा, कभी अंग्रेजों के द्वारा लूटा, कभी किसी ने लूटा, लेकिन आज भी इतना खजाना भरा पड़ा है कि तब भी पूरे दुनिया के लुटेरे लुटेरों की नजर हमारे भारत पे हर समय रहती है, तब भी जो है ना इतना खजाना है कि आप इसमें निकालते चले जाइए। तो ये बीज हमारे जो है वो हमारी धरोहर है, और इस धरोहर को हम बचाएं ताकि हमारी जो बीजों की खरीदने की जो इकोनॉमिक्स है वो हमारे फार्मर के पास रह पाए। आपको पता होना चाहिए लाखों हजारों करोड़ों रुपए के बीज हम हर साल जो है खरीदते हैं। अगर किसान भाई हमारा ऐसा इस छोटी सी प्रोसेस से अगर बीज बनाते हैं तो उनको बीज खरीदने की जरूरत नहीं है, और हजारों लाखों करोड़ रुपए हमारे किसान भाई के पास बच सकता है, जिससे वो अपनी जिंदगी को और खुशहाल और आसान बना सकते हैं। जी, थैंक यू और आकाश, कोई बहुत सवाल बढ़िया। बताइए जी। और सवाल ले लेंगे अब। और सबसे एक विनती है, ये स्वस्थ भारत बनाना सिर्फ आकाश भाई जी का ही नहीं है, वो काम उनका सिर्फ अकेले का नहीं है, हम सबका है। एक आदमी से थोड़ा परिवर्तन बिल्कुल होगा, अगर हम सब लोग जो है साथ देने से कम इतना, ये सेशन तो आप फॉरवर्ड कीजिए लोगों को, क्योंकि मेकाल एजुकेशन सिस्टम सिर्फ लेना सिखाया, देना नहीं सिखाया, इसलिए बार बार बोलने पड़ते हैं लोगों को, मिलके काम करेंगे, मिलके काम करेंगे बोल के। तो मिलके जो है कैंसर मुक्त भारत बनाएंगे। और एक चीज है, शिव प्रसाद जी, आप क्वेश्चन आंसर से कुछ मौका दीजिए। शिव प्रसाद जी, हेलो। जी नमस्कार। नमस्कार सर। आकाश जी, बहुत अच्छा लगा आपका, आपसे सुन के सुन के। मेरा एक सवाल है, ये जी 4 पार्ट करना है अपने खेती को, इसमें दिशा का कोई जी महत्व है? नॉर्थ, नहीं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ? आपको आपका जो, हाँ नहीं, देखिए क्या है, आपका जो फार्म है ना, क्योंकि हमें इसमें 4 पार्ट बनाने हैं, तो कोई भी एक डायरेक्शन में एक पार्ट तो जाने वाला है, ठीक है? बराबर। तो आप कोई भी पार्ट पूरब में रख सकते हैं, नॉर्थ में रख सकते हैं, कोई भी पार्ट ईस्ट में रख सकते हैं, कोई भी पार्ट वेस्ट में रख सकते हैं। जब हम इसके स्पेशली अंदर पार्ट के अंदर, हाँ, जब स्पेशली हम पार्ट के अंदर कोई फार्मिंग का मॉडल सेट करेंगे, लाइक मल्टीलेयर कर रहे हैं, इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं, तो फिर उसमें हम जो है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ देखते हैं, है ना? राइट। नहीं, गौशाला कहाँ पे होना चाहिए? गौशाला वो चौथे पार्ट में आप कर सकते हैं, है ना? नहीं, तो उसका कोई दिशा वगैरह है फोर्थ जो? पार्ट में, हाँ, उसका पूरब पश्चिम आप डायरेक्शन रख सकते हैं, मतलब जैसे गाय का जो मुंह है वो पूरब की तरह अगर होगा तो वो वास्तु के हिसाब से और गाय की हेल्थ के हिसाब से बहुत गुड होगा, ओके, धन्यवाद, ठीक है जी? धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार जी। नेक्स्ट शिव प्रसाद जी, नेक्स्ट। वेंकट राम रेड्डी जी, दीपमाला जी। हेलो हाँ जी, आपका क्वेश्चन पूछिए। जी नमस्ते। नमस्कार आकाश जी। सर, नमस्ते नमस्ते, मैं बताइए। 2 साल से आपके वीडियोस देख रही हूँ, मस्कट से बात कर रही हूँ, बहुत ही इंस्पायरिंग होते हैं। और जी मैं मतलब सभी से बोलना चाहती हूँ कि आपके जो भी सवाल होते हैं वो उसका मैं 2 दिन वेट करती हूँ और मुझे जवाब मिलता ही मिलता है व्हाट्सएप पर। और आपसे इंस्पायर जी होके, मैं और मेरी सास, अगर मीरा वैश्य ये चैनल देख रही होगी, वो उन मेरी सास मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है गार्डनिंग और फार्मिंग के लिए। तो आपसे इंस्पायर होके जी मैंने अभी एक खेत खरीदा है 1 एकड़ का, और मैं आप ही का मॉडल लगाऊंगी और आपके बढ़िया पास ट्रेनिंग के लिए जरूर आऊंगी। और मेरा सवाल ये है आपसे, जो आपने ये जी ट्रेंच के लिए बोला है वो पक्की नहीं बनानी है, जी राइट? वो नहीं कच्ची नहीं नहीं बनेगी ताकि अब्जॉर्ब कर सके पक्की पानी। नहीं बनानी, केवल कच्चा आपको खाली खोदना है,
जी कच्चा बनाना है, खोदना नहीं है, कोई आरसीसी नहीं करना है, कोई कंक्रीट नहीं करना है, बस खाली खोद के और छोड़ देना है, और उसके लेफ्ट राइट में आप चाहें तो छोटे 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 प्लांट्स लगा सकते हैं ताकि उसकी मिट्टी एकदम खिसक के उसमें ना जाए। जी, और आपके दो तीन वीडियो में मैंने देखा आकाश जी, आपने इस वीडियो में नहीं दिखा, इस जो आपने मैप करके दिखाया वो नहीं बताया, एक आप 10x10 का एक गड्ढा बनाने के लिए बोलते हैं ढलान पर, तो वो क्या जरूरी है अगर ट्रेंच बना दिया तो? नहीं, जरूरी है वो, एक्चुअली क्या है ना, पानी रिचार्जिंग एक बहुत बड़ा सेशन है और बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उस पे हमने स्पेशली जोर नहीं दिया। बाकी आप इसके अंदर खेत के चारों तरफ जहां पर भी आपका खेत का स्लोप होगा, उस इसी डायग्राम में आप स्लोप के डायरेक्शन में कॉर्नर पे आप 10x10 का पोल भी बनाएंगे जो पानी रिचार्जिंग की एक कड़ी को और मजबूत करेगा। पानी रिचार्जिंग की तीन विधियां हैं हम लोगों की, जो हमने मतलब काम करते करते सीखी हैं या रिसर्च करके और इसके ऑथेंटिक प्रमाण और वो सब तैयार किए हैं। तो तीन विधियों से अपन 3 लाख लीटर 30 लाख लीटर पानी रिचार्ज करते हैं, तो 10 लाख लीटर ट्रेंच से करते हैं, 10 लाख लीटर पोल से करते हैं, और 10 लाख लीटर खेत के अंदर ऐसी व्यवस्था बनाते हैं, रिज बेड वगैरह जो भी मॉडल हम लोग लगाते हैं तो उसके अंदर व्यवस्था बनाते हैं, तो 10 उसमें रिचार्ज करते हैं, तो वो एक 30 लाख लीटर के आसपास पानी रिचार्जिंग की व्यवस्था होती है। सो वो कभी और किसी सेशन में हम लोग पानी के टॉपिक पे जब स्पेशली उतरेंगे तो मैं डीप में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ एवरी ड्रॉप हम खेत के अंदर रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो पोल तो आपको बनाना ही है, जहां पर आपका खेत का स्लोप होगा उस स्लोप के डायरेक्शन में बनाना, और ये पोल प्रति एकड़ एक बना देंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आप पूरे डायग्राम में एक भी बना देंगे तो भी अच्छा होगा, पर एक बनाए तो फिर बड़ा बनाए, आप 20x20 फिट कर सकते हैं, वो आपको अपने खेत के लेआउट के अनुसार देखना पड़ेगा कि आपका खेत का लेआउट कैसा है। अगर स्क्वायर में आपके खेत कट गए हाँ, और आपके पास पर्याप्त स्पेस है तो प्रति एकड़ आप एक पोल बना दीजिए, लेकिन अगर आपका एक ही एकड़ का खेत है, 2 एकड़ का खेत है या 2.5 एकड़ का है, तो फिर आप एक ही पोल बनाइए, साइज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ये कर सकते हैं। जी, ये स्लोप में ही बनेगा राइट सर? जहां पर ढाल होगा उसका वहीं पर ही बनेगा, है ना? जी सर, आपकी शिव प्रसाद जी नेक्स्ट कौन है? उज्जवल रातोड जी, क्योंकि 5 लोग हैं, अभी दे सकते हैं क्या? नहीं आकाश जी, टाइम देखना है, अब थोड़ा फास्ट कीजिए जी। आकाश जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में देश के लिए एक बहुत बड़ा क्रांति क्रिएट कर रहे हैं, जो कि आज के युवाओं के लिए भी एक संदेश वाहक है। और सर ये पूछना था, जो आपने अभी मॉडल दिया है ये 5 to 6 acres के लिए अप्लीकेबल है या फिर हमारे, चूंकि पास मेरे पास स्पेशली 7 to 8 acres जमीन है लेकिन जी लेकिन 1 to 1 to 2 करके मतलब एक इकट्ठे नहीं है, 5 to 6 acres कहीं 1 acre कहीं 2 acres मतलब 1 acre से कहीं ज्यादा नहीं है हमारे पास एक जगह। जी मैं समझ गया। देखिए इसके लिए ऐसा है कि आप अगर 1 acre भी जमीन है आपके पास तो भी आप ये प्लान बिठा सकते हैं, 2 है 5 है 10 है 20 50 100 200 500 जो भी प्लॉट है आपका उस प्लॉट में ये प्लान बैठेगा, पर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी। फिर जैसे 1 या 2 acres की जमीन है तो आपका खाली एक ही बॉर्डर डालेगा, फिर इसमें हम 3 बॉर्डर नहीं डालेगा, ठीक है, सिंगल बॉर्डर डालेंगे, और सिंगल बॉर्डर में केवल मिडिल साइज के ही ट्रीज लगाएंगे, उसमें स्मॉल नहीं लगाएंगे और बिग नहीं लगाएंगे, बराबर ना? और अगर हमारा प्लॉट 3 acres या 4 acres का है, 5 acres से छोटा है तो हम दो बॉर्डर लगा सकते हैं, लेकिन अगर 5 acres से कितना भी बड़ा है तो 3 layer में ही बॉर्डर लगेगा, और बड़ा साइज है, जैसे 20 acres का एक ही प्लॉट है तो जो हम ट्रीज से ट्रीज का जो डिस्टेंस है वो उसको बढ़ा देते हैं। फिर जैसे अभी हमने पौधे से पौधे का जो डिस्टेंस रखा, सामने टू सामने रखा हमने 10 feet, और आमने सामने रखा हमने 5 से 8 feet, तो उसको हम 10-12 feet तक भी कर देते हैं, तो प्लॉट की साइज बढ़ने के हिसाब से उसकी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। अगर आपको क्लियरिटी ना हुई हो तो आप अपने प्लॉट की साइज का फोटो जो इंटरनेट पे होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, उसका स्ट्रक्चर आप हमें भेजेंगे और व्हाट्सएप पे लिख देंगे, तो हम आपका डायग्राम में प्लांट भी सजेस्ट करके और वो करके भेज देंगे कि आपको कितनी बॉर्डर लगाना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल ज्योति जी।
कर्नाटका ज्योति। नमस्ते राजेश भैया, मैं ज्योति बोल रही हूँ शिमोगा से। मैंने व्हाट्सएप पे भी आपसे एक दो बार बात की है और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारा जो खेत है वो 4 एकड़ का खेत है, उसमें लगभग पौना 1 एकड़ लैंड जो कॉर्नर है वो हमेशा बारिश के सीजन में पूरा पानी भर के रहता है वहां पे, तो उसके लिए हमें एक बड़ा गड्ढा बना के कुछ वहां पे पानी स्टोर करना ठीक रहेगा, या उसमें हम कुछ सिंगाड़े का खेती इस टाइप का कुछ खेती कर सकते हैं? आपका क्या सजेशन है भैया उसके लिए? कितना एरिया आपका ऐसा है जो डूबा रहता है, एरिया कितना होगा? पौना 1 एकड़ के लगभग है। पौना 1 एकड़ के लगभग। देखिए आप एक तो पानी रिचार्जिंग का तो कर ही सकते हैं वहां पर, जब हम पानी रिचार्जिंग का करेंगे और ट्रेंच बना देंगे तो पानी का जो भराव है वो काफी कम हो जाएगा, लगभग 60% तक कम हो जाएगा, 40% जो पानी का भराव रहेगा। तो उसमें हम अगर आपका सिंगाड़े का प्लान हो तो आप कर भी सकते हैं, अदरवाइज जो है ना उसमें कुछ ट्रीज ऐसे हम लगा सकते हैं जो ज्यादा पानी में भी उनका सर्वाइवल रहता है। ठीक है, तो दो तरीके से हम लोग प्लान बना सकते हैं। आप पहले तो उसमें ट्रेंच बनाइए और बड़ा सा पूल बना लीजिए, और चाहे तो लगे तो आप पानी का स्टॉक भी कर सकते हैं उसमें। रिचार्ज अलग हो गया, स्टॉक अलग हो गया, तो स्टॉक भी जो है ना आप उसी में अगर पोलिंग कर देंगे, थोड़ा और डेप्थ ले लेंगे और थोड़ी विड्थ बढ़ा देंगे तो आपको सिंचाई के लिए भी पानी की व्यवस्था हो जाएगी, और डेप्थ में जब पानी जाएगा तो पूरे एरिया में नहीं भरा रहेगा, फिर वो पानी जो है ना ड्रेनेज हो जाएगा थोड़ा सा, और ट्रेंच बन जाएगी तो और काफी ड्रेनेज अच्छा हो जाएगा, तो फिर कुछ एरिया आपका निकल आएगा। तो आप पहले तो ये करिए कि ये करके और एक साल देखिए पहले कि क्या पोजीशन बनती है पानी को डेप्थ में गड्ढा बनाने के बाद और चारों तरफ ट्रेंच बनाने के बाद, फिर कितना खेत आपका ओपन हो जाता और कितने खेत में कितना पानी रह जाता, फिर हम लोग उसको फसल में तब्दील कर देंगे। तो 3 महीने वेट कर लीजिए ये करने के बाद, तो पोजीशन एकदम क्लियर हो जाएगी, फिर हम लोग ऑथेंटिक उसमें प्लांट डाल सकते हैं। नेक्स्ट शिवप्रसाद। शिवानंद जी नमस्ते। आकाश जी नमस्ते। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, मैं ट्राई करता हूँ फिर भी। आप बोल रहे थे कि व्हाट्सएप में 2-3 दिन लगता है और बहुत लोग आपको हेल्प मांग रहे हैं, तो मेरा ये जस्ट सजेशन एक था कि आप जैसे एक वेबसाइट जैसे खोल के सब आंसर्स उसमें डालेंगे तो काफी लोग सेम क्वेश्चन काफी लोग को होगा, तो आपको भी काम कम होगा, ऐसे कुछ कर सकते हैं क्या? जी जी, आपका सजेशन एकदम बढ़िया है, परंतु इसमें क्या होता है ना, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन तो डाल लिए, उसमें क्या होगा 1000 क्वेश्चन में समथिंग 100 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जिनके जवाब वहां पर उनको मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है ना हर खेत का कंडीशन अलग अलग होता है और कंडीशन के हिसाब से हर सवाल का आंसर भी बदल जाता है, सो इसलिए उसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन हाँ फिर भी हम लोग 20% तो कर सकते हैं और उसके लिए प्रयासरत हैं, बहुत ही जल्दी हम लोग ये कर लेंगे तो आसान हो जाएगा काफी कुछ, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट राजेंद्र राव जी। हरिओम जी। हरिओम जी, तीन क्वेश्चन है। प्लीज आपसे निवेदन था, एक हमें अभी ये 2:30 बजे एक दूसरे सेशन में भी बैठना था, तो टाइम असल में उस सेशन का भी हो चुका है, तो हम लोग व्हाट्सएप पे बात कर लें क्या, फिर जो भी सवाल होंगे आपके? ओके हरिओम जी, ये क्वेश्चन था जी। हरिओम लास्ट क्वेश्चन जल्दी बताइए। आकाश जी नमस्ते। नमस्ते जी, जो आप जो काम कर रहे हैं वो अवर्णनीय है, अभी तो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो आप जो हो रहा है 2 घंटे का जो समय आपको नहीं मिल रहा है, तो हम जैसे लोगों को आप ट्रेन कर सकते हैं क्या? मैं कर्नाटक से हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, जरूर जरूर। देखिए हमने अभी देखो काम करते करते चीजें समझ आती है ना, जो आपने सवाल किया ना ये चीजें निकल के आ रही है कि अभी एक व्यक्ति के काम करने से देश नहीं बदलने वाला, हमको ऐसी चीजों का विस्तार करने वाले हजारों लोग चाहिए, तब जाके वो ग्राउंड लेवल पे पूरा अवेयरनेस लेके आ पाएंगे, पूरा एक वॉल्यूम बना पाएंगे। तो उसके लिए हमने देखो एक तो 2 दिन का सेशन रखा है, जो लोग पहले से फार्मिंग कर रहे हैं वो लोग 2 दिन के सेशन में आके और देख के चीजें सीख के और जाके और समझ के कर सकते हैं। फिर एक हमने 5 दिन का सेशन तैयार किया, एक कोर्स तैयार किया जिसमें पूरा प्रैक्टिकली जो लोग नए हैं
नए फार्मर हैं जो खेती करना चाहते हैं उन लोगों के लिए रखा है। उसमें हम बेसिक से लेकर एक कंप्लीट लेयर फार्मिंग का और पूरा सब कुछ ब्रीफ कर देते हैं सारा। एक 7 डेज का एक कोर्स रखा, वो भी प्रैक्टिकल होता है लेकिन उसमें कुछ टॉपिक बढ़ जाते हैं, जैसे मशरूम कल्टीवेशन है, मधुमक्खी पालन है, इस तरह के टॉपिक्स उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो वो एक सेशन है 7 डेज का ट्रेनिंग का। फिर हमने रखा है एक मंथ का सेशन रखा है। तो बेसिकली एक मंथ के सेशन में वो लोग जो 7 दिन का 5 दिन का सेशन करने के बाद खेती को काफी कुछ हद तक समझे हैं, लेकिन अब वो डीप में उसमें काम करना चाहते हैं, मतलब प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं, तो वो 1 महीने का हमारे पास वॉलंटियरशिप कर सकते हैं। उसका सेशन होता है प्रॉपरली, तो 1 महीने का वॉलंटियर करके वो अपनी प्रैक्टिस को परफेक्ट कर सकते हैं और काफी जो डेप्थ की जो बारीकियां हैं जो केवल करने से समझ आती हैं वो भी समझ में आ जाएंगी। तो 1 महीने का वो एक कोर्स है। फिर इसके बाद जो इसके अलावा जो इस मिशन को मजबूती के साथ इस देश में विस्तार देखना चाहते हैं, जिनकी आंखों में नींद नहीं है, वो केवल ये चाहते हैं कि थाली विस्मुख हम अपने बच्चों को सात्विक अन्न खिला पाएं, कब हम एक शुद्ध वातावरण में सांस ले पाएं, कब हम इस विश्व मुक्त वातावरण से एक अच्छे वातावरण में अपनी जिंदगी को जी पाएं और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित कर पाएं। अगर किसी के मन में ऐसी चिंता है, चिंता करने वाले काफी लोग हिंदुस्तान में हैं, तो उनके लिए एक अलग ही तैयारी है। वो हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ जो है ना हमारी सारी एक्टिविटीज में जो है सहयोग दे सकते हैं। और उसकी जो व्यवस्था है वो ये है कि या तो 6 महीने वो आप हमारे साथ रह के काम करके सीख लीजिए ताकि आप पूरी तरह से ट्रेंड हो जाएं और फिर जाके आप अपने क्षेत्र में इन सारी चीजों का विस्तार करिए, एक तो ये हो सकता है, या तो फिर आप हमारे ही साथ में पूरी एक टीम का हिस्सा बन जाइए और इस यज्ञ को बड़ा बनाने के लिए जो जो भी इसमें काम जरूरी है या जो हो रहे हैं उसी में आप सहयोग करें ताकि इस यज्ञ को और बड़ा बना के हम लोग पूरे भारत को जल्द से जल्द जैविक कर पाए। तो ये व्यवस्था ऑलरेडी हमने कर रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, बहुत टाइमली आपका ये है क्या है ना, आपको बेस्ट सर्विस आप जो कर सकते हैं इस मिशन को, जब ऐसा सेशन होता है लाखों लोगों को जुड़े, ये सेशन सब लोग देख रहे हैं, मतलब यही भारत का स्थिति है, सब लोग अलग अलग जगह इकट्ठा होते हैं, किसी का पानी नहीं निकलेगा, तो मिलके काम करेंगे जी, मिलके काम करने से बहुत आसान है भारत को बदलना। एक्चुअली लाखों यंग लड़कों देखना था ये सेशन को, कम से कम फॉरवर्ड कीजिए रिकॉर्डिंग को, मिलके काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी।